तो एक बार फिर से पीएम मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि भारत एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। ऐसे में अगर कोई भी भारत को आंखें दिखाएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब यही हाल हुआ है मालदीव का, और अब मालदीव को भारत से आंखें मिलाना महंगी पड़ गई है, और भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मालदीव की धज्जियां उड़ा दी है। आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने अचानक से मालदीव की धज्जियां कैसे उड़ा दी, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा पीछे चलिए। यानी कि आज से 2 महीने पहले चाइनीज सपोर्टर मोहम्मद म्यूजी ने भारत के मित्र मोहम्मद सोलिह को हराया था और मालदीव का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था। तो उस समय मोहम्मद म्यूजी ने भारत पर एक बड़ा हमला किया था और मालदीव के इस इनकमिंग प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया था कि वो जितनी भी जल्दी हो सकेगा मालदीव से इंडियन मिलिट्री को वापस कर देंगे। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए मालदीव में भारतीय सेना के जो सैनिक तैनात हैं उन्हें वापस भारत भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही 1 दिसंबर को मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर मोहम्मद मोइजू COP28 में शामिल होने के लिए UAE पहुंचे, तो पीएम मोदी जी को देखकर मोहम्मद मोइजू के पसीने छूट गए। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रिसेंटली दुबई के अंदर COP28 समिट का आयोजन हुआ है, जहां पर दुनिया भर के 160 देशों के वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए हैं, और दुबई के अंदर ये समिट क्लाइमेट चेंजेज को लेकर हुआ। और इसी समिट के दौरान पीएम मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की है, और पीएम मोदी जी की इसी मुलाकात में एक थे मालदीव के राष्ट्रपति, जिसने पिछले 1 महीने से भारत की नाक में दम कर रखा था। लेकिन अब पीएम मोदी जी ने मालदीव के इस राष्ट्रपति की भी धज्जियां उड़ा दी। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जहां पर पीएम मोदी जी ने मालदीव के प्रेसिडेंट म्यूजी से साइडलाइन मुलाकात की है, और इसी बायलेटरल मीटिंग के दौरान दोनों ही देश कोर ग्रुप को सेटअप करने को लेकर एग्री हो गए हैं। आपको बता दें कि इस समय मालदीव की इकोनॉमी भी श्रीलंका की तरह डूब रही है, क्योंकि चाइना के BRI प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से फंस चुका मालदीव अब इससे बचकर अपनी इकोनॉमी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मालदीव की नैया को कहां तक लेकर जाते हैं। लेकिन मालदीव के इस राष्ट्रपति ने अपना पहला कदम सही जगह रखा है, और ये कदम इसलिए रखा है क्योंकि खाड़ी के मुस्लिम देशों में पीएम मोदी जी की ताकत देखकर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भी हैरान है। इसलिए मोइजू ने पीएम मोदी जी के साथ कोर ग्रुप को सेटअप करने की प्लानिंग की है, क्योंकि कोर ग्रुप के सेटअप होने के बाद इंडिया और मालदीव के बीच में फ्रेंडशिप काफी हद तक एनहांस हो जाएगी, जिससे दोनों ही देशों के इकोनॉमिक रिलेशन भी मजबूत होंगे, और भारत श्रीलंका की तरह मालदीव की इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट देगा, और सभी सेक्टर में दोनों ही देश मिलकर काम करेंगे, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन डेवलपमेंट का हो या फिर पीपल टू पीपल स्टाई हो। और अब ये सब देखकर ये भी बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडियन मिलिट्री भी मालदीव में तैनात रह सकती है। फिलहाल मालदीव का अगला कदम क्या होगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मालदीव ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।